हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे हम अपने खुद की एक एनएफटी बना के उसको सेल कर सकते। बिल्कुल आज जो तरीका बताऊंगा बिल्कुल फ्री में हम अपनी एनएफटी को सेल करके यहाँ से अच्छा खासा पैसा निकाल सकते। बहुत से यूजर लाखों भी कमाते थे, करोड़ों भी कमाते, लेकिन गाइस वो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनएफटी क्रिएट करने वाले, कैसे एनएफटी को जो सेल करने वाले। बहुत से यूजर बाइनेंस एक्सचेंज पे सेल करते हैं, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज इतना जल्दी आपको अप्रूवल नहीं देगा एनएफटी पब्लिश करने के लिए। लेकिन एक ओपन सी ऐसा खुला मार्केट जहाँ से आप कभी भी अपनी एनएफटी को सेल कर सकते, मतलब लिस्ट कर सकते। कैसे आपको अभी क्रिएट करनी है अपनी खुद की एनएफटी, सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो पे। बिल्कुल ही वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, फटाक से वीडियो को लाइक कर देना। जिस भाई ने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पासे वाले बेल आइकन पे क्लिक है जो कर देना। तो यार अगर आप मोबाइल यूजर हो तो आप सबसे पहले अपने क्यूवी ब्राउजर को डाउनलोड कर लेना, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप क्यूवी ब्राउजर डाउनलोड कर लेना। क्योंकि ये किवी ब्राउजर में ही एक जो एक्सटेंशन आपको लगाना पड़ेगा जिसका नाम मेटामास्क। ओके, तो यहाँ पे मैं मेटामास्क सर्च है जो कर लेता हूँ एक्सटेंशन। ओके गाइस, आपको मेटामास्क एक्सटेंशन जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी पहली वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले एड टू क्रोम पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एक्सटेंशन, ये जो मेटामास्क का एक्सटेंशन है उसको एड कर लेना। यहाँ पे अभी मेरे पास रिम्यू फ्रॉम क्रोम बता रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम बताएगा, तो आपको सिंपली ऐड कर देना। उसके बाद में यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेते हो, जैसे हम ओपन सी ओपन कर ले तो यहाँ पे आपको स्वाइप करना। जैसे स्वाइप करोगे यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने मेटामास्क से कनेक्ट करवा लेना। ओके, जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालने को बोलेगा, तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, उसके बाद में कनेक्ट करवा लेना। तो ठीक है, जैसे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लूंगा तो यहाँ पे जो मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा ओपन सी इस मेटामास्क से। ओके, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे मेरे जो भी फंड पड़ा है इसके अंदर वो बता देगा। इसको आपको सिंपली बैक कर लेना। जैसे ही बैक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर अपना ऑप्शन जो मिलेगा अकाउंट का, तो यहाँ पे जैसे अकाउंट का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में चले जाना। प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपके जितने भी, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया प्रीति बेबी ऐसे करके, जो मेरा ये एनएफटी कलेक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे जो इसका नाम वगैरह सबको डाल दिया, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एनएफटी लिस्ट भी की, और यहाँ पे मेरे को कुछ एनएफटी मिली भी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला भी एनएफटी कैसे क्रिएट करना, वापस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट का। तो सिंपली इसके ऊपर जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे जो आपको कुछ इमेज पहले बना लेना। आप चाहो कोई पिक्स ऐप कोई भी यूज करके जो इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, कोई भी बढ़िया अच्छे से एनएफटी बना लेना, जिसमें कुछ ब्रश टाइप का ऐसे घुमा के कुछ कोई भी अदरवाइज फोटो लेके आप उसमें अपने हिसाब से डिजाइन कर देना, जिससे कि थोड़ा अलग और अपनी खुद की यूनिक एनएफटी लगे। तो यहाँ पे गए थोड़ा लोड ले रहा है, इसे लोड ले रहे तो मैं बताता हूँ। तो यार जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, उसके बाद में आपके अपने मेटामास्क में एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको ऊपर क्लिक करके साइन इन पे क्लिक कर देना। जैसे साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे गए सबसे पहले आपको एक इमेज अपलोड करनी जो आप क्रिएट कर लेना आप अपने हिसाब से, जैसे कि कैनवा में हो गया या किसी पिक्सल ऐप में हो गया, किसी एक में जो आप जो यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो मैंने एक फोटो बनाई गए कुछ इस टाइप से एक फोटो, तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे गए इसके बाद में यहाँ पे आपको जो अपना नेम जो भी डाल देना भाई, इससे मतलब फोटो के साथ में आप कौन सा नेम जो यूनिक नेम वो रख देना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से जो एडजस्ट कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहे तो रख सकते हो। मैं पिक्स करके रख देता हूँ और यहाँ पे आर्ट करके ऐसा कुछ लिख देता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखने के बाद में यहाँ पे जो आप अपनी कोई भी एक साइट का यहाँ पे नाम देना चाह रहे हो तो दे दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे गए मैं डिस्क्रिप्शन, मेरे पास एक लिखा हुआ, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फटाक से जो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे आप कोई भी एक लिंक डालना चाह रहे हो तो डाल सकते हो, इसको भी खाली छोड़ सकते हो। और यहाँ पे कलेक्शन अगर कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं इसको भी छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप सप्लाई कितना देना चाह रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1,000 देना चाह रहे हो, 100 देना चाह रहे हो, या फिर 1 देना चाह रहे हो, या 10,000 देना चाह रहे हो। तो मैं इसको अगर 10,000 सेलेक्ट कर देता हूँ, नीचे यहाँ पे आप जो पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना ताकि सही रहेगा। और यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे जो क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ऑलमोस्ट डन बता रहे। यहाँ पे रोबोट पे क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे जो ब्रिज करके यहाँ पे जो कैप्चर हो गया जो भी इसका फिलअप वगैरह कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं योर क्रिएटेड पिक्स आर्ट यू जस्ट क्रिएटेड, मतलब कि ये मैंने जो लिस्ट कर दी अभी, इसको क्रिएट तो कर दिया, अभी इसको लिस्ट कैसे करना है, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना। और यहाँ पे देख रहे हो सेल का ऑप्शन जो देखने को मिल जाए, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ओनर सिर्फ 1 है, और आइटम देख रहे हो यहाँ पे 10 के आइटम। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी गाइस इसको सेल कैसे करेंगे, यानी कि इसको लिस्ट करने के लिए यहाँ पे सेल पे क्लिक करना।
यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ्लोर प्राइस जो भी डालना चाह रहे हो वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं मैटिक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गए लास्ट 5 से यहाँ पे 10 मैटिक आप अपने हिसाब से डाल देना। मैंने यहाँ पे 5 मैटिक डाल दिया, क्योंकि अगर कोई भाई बाय करना चाह रहे ये NFT बिल्कुल ही बाय कर सकता है। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में इसकी सिर्फ वैल्यू 5 मैटिक टोकन है, मतलब 4 से 4.25 डॉलर के समथिंग। लेकिन ये फ्यूचर में आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट देने वाला, क्योंकि जो मैंने ये NFT क्रिएट की ना, ये इसका तरीके से और इसका जो आर्ट है ना उसके हिसाब से ये NFT डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्राइस देने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सेट ड्यूरेशन 1 मंथ डाल दिया, 1 महीने में ये सेल हो जाएगी जहाँ तक मेरे को लगता है, और नहीं होगा तो फिर मैं इसको दोबारा वापस सेल पे लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी, देख लो यहाँ पे कंप्लीट लिस्टिंग आ गया। यहाँ पे अगर ये अप्रूव जाएगा तो आपको सबसे पहले अपने मेटाबॉक्स में जाकर इसको अप्रूव वगैरह करवा लेना। तो ये एक दो बार ट्राई करोगे तो आप इजिली सीख जाओगे। अगर जो पहले यूजर है और ऑलरेडी यूजर जानते हैं ये चीज़ें तो वो तो इजिली यहाँ पे कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ही अप्रूव करवा देता हूँ वापस यहाँ पे जाके चेक करूंगा, यहाँ पे देख रहे योर आइटम हैज बीन लिस्टेड, मतलब कि ये NFT लिस्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल आपको भी इस तरह से अपनी NFT को इजीली लिस्ट करके सेल करवा सकते हो। डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप $1 में सेल करना चाह रहे हो या फिर $10,000 में, ओके गाइस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सेल भी होना जरूरी है। तो बस इस टाइप से आप अपनी NFT क्रिएट कर सकते हो। आज के स्टूडियो में यही, आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दें। जिस भाई ने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।